सबास बेस्ट क्लासेस में मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैं अपने मसालों का कैसे अरेंजमेंट करती हूँ और इन्हें किस तरह से रखती हूँ कि पकाने में बहुत आसानी हो और मसाले मुझे झटपट मिल जाएं और इन्हें किस तरह से हम सही तरीके से रख सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से रखे जाएंगे सूखे मसाले। ये सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि साबित मसाले हम किस तरह रखेंगे। तो साबित मसालों के लिए मैंने एक बड़ा सा डब्बा लिया, इसमें इस तरह से छोटे छोटे खाने हैं और मैंने इसमें ये सारे सूखे मसाले रखे हैं जो मुझे बार बार काम आते हैं। जैसे मैंने इसमें चिली फ्लेक्स रखे, काली मिर्च रखी, सूखा पुदीना रख दिया है और यहाँ पर हमने दालचीनी रखी, सौंफ रखी, तेज पत्ते हैं, कलौंजी है, स्टार एनीस है। ये सारी चीज़ें हमने, जो भी आपके रिक्वायर्ड सूखे मसाले हैं ये आप सारे इसमें रख दीजिए। तो इससे आपको है ना बार बार एक एक मसाला ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक ही बॉक्स निकालेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे मसाले मिल जाएंगे। और साथ में इस तरह से स्पून्स रख दीजिए। तो ये रहा हमारा सूखे मसालों का डब्बा। देखिए इसमें मैंने जाफरान की एक डब्बिया भी रख दी है छोटी सी। तो हमने ये देख लिया कि सूखे मसाले किस तरह रखे जाए जिससे कि आपको सूखे मसाले ढूंढने में आसानी हो जाए और बिल्कुल आसानी से आपको ये मिल जाए। तो चलिए मैं आपको दूसरा बॉक्स बताती हूँ कि मैंने जो रेगुलर यूज का डब्बा है वो किस तरह रखा है। ये हमारा रेगुलर डब्बा है, यानी इसमें हमने अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, राई और ये सूखी लाल मिर्चें हैं जो बघार में या किसी भी चीज़ में डालने में काम आती हैं, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं। हल्दी पाउडर है और ये हल्दी पाउडर पिसाने का और मिर्ची पाउडर पिसाने का तरीका मैंने अपने चैनल पर दिया है, आप उसे देख सकती हैं। तो ये बहुत ही आसान है। तो देखिए ये जो मैंने जनाब है इनको मैंने ढक कर रखा है क्योंकि इसमें है नमक और नमक को अगर हम खुला छोड़ते हैं तो खुला छोड़ने की वजह से नमक में का जो आयोडीन होता है वो आयोडीन उड़ जाता है और नमक हमारा बिल्कुल बेकार हो जाएगा बिना आयोडीन के। तो इसीलिए मैंने इसे इस तरह से कवर करके रखा है। तो देखिए इसमें नमक साहब बैठे हैं। तो इसे भी आप सिल्वर फॉइल से या किसी ढक्कन से ढक कर रखिए। और ये रहा हमारा पाउडर्स वाला डब्बा। यहाँ पर हमने पाउडर्ड मसाले रखे जैसे धनिया पाउडर, ये है काला मसाला और ये देखिए वाइट पेपर पाउडर है और चाट मसाला है और यहाँ पर मैंने समर मसाला रखा है और ये है गरम मसाला और यहाँ पर हमने हींग रखी है, ये तो ऑलरेडी पैक्ड है। अब होता क्या है, ये जो सूखे पाउडर्ड मसाले हैं इनकी खुशबू एक से दूसरे में चली जाती है। जैसे जीरे की खुशबू धनिए में चली गई या फिर गरम मसाले की चाट मसाले में चली जाती है इस तरह रखने से। तो मैंने क्या किया है, इस पर कुछ ढक्कन ढांक दिए हैं जैसे कि इस तरह सिल्वर फॉइल लगा दिया है सब पर और सिल्वर फॉइल का ढक्कन बनाकर उस पर मैंने इस तरह से अल्फाबेट्स लिख दी, जैसे धनिया के लिए D और जीरा के लिए Z, सांबर मसाले के लिए S और ये सभी मसालों के मैंने इनिशियल्स इस पर लिख दिए। और ये रही हिंग की डिबिया जो कि ऑलरेडी कवर्ड है। तो ये सारे मसालों को इस तरह से ढांक कर रखने की वजह से इनकी खुशबू एक से दूसरे में नहीं जाएगी और मसाले का टेस्ट बिल्कुल बरकरार रहेगा। तो देखिए हमने ये जो ढक्कन बनाए हैं वो किस तरह से बनाए हैं मैं बता रही हूँ। मैंने सिल्वर फॉइल लिया, उसे गोल कट करा इस तरह से और गोल कट करने के बाद हमने इस पर एक अल्फाबेट लिख दिया जो भी मसाले का नाम है। जैसे सांबर मसाले के लिए मैंने S लिख दिया और उसे इस तरह से अच्छी तरह से पैक कर दिया उस कटोरी पर। तो ये हो गया हमारा पाउडर्ड मसालों का डब्बा तैयार। तो देखिए हमको ये चीज़ें जो बार बार लगती हैं इन्हें हमने किस तरह से रखा है ताकि हमारे पकाने में आसानी हो, टाइम वेस्ट ना हो। तो आई होप कि आपको ये मसालों का ये जो डब्बे है पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो आप इसे लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई और यूजफुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।